हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसी लेक्चर में जो हमें पढ़ेंगे यहाँ पे रैंकिंग के बारे में, ठीक है, और वो भी शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है। इससे पहले लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था रैंकिंग के ऊपर, ठीक है, कि मतलब जो हमारे पास है वर्ड है उसका रैंक क्या होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, ठीक है। ये कहता है यहाँ पे आपके पास है एक वर्ड, हमारे पास है दिस मदर, MOTH ई, और यहाँ पे क्या है आर, ठीक है। ये कहता है कि जो ये वर्ड आपके पास मदर है, इसे जो लेटर्स हैं इनको आप अरेंजमेंट करो, आगे पीछे जितने भी पॉसिबल अरेंजमेंट हो पाए, जितने भी आपके पास वर्ड बन पाए उतने बना दो, उसका मीनिंग हो या फिर ना हो, ठीक है ना। तो वो कहता है फिर जो ये आपके पास ये मदर जो वर्ड है ना, वो जो ये वर्ड आपके पास फॉर्म होंगे, अगर उनको आप डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करें, पहले जैसे स्टार्ट ए से होने वाला है, फिर बी से, फिर सी से, इस तरह सीक्वेंस में, ठीक है ना, तो उस केस में जो है, जो ये वर्ड आपके पास मदर है, इसका रैंक क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, रैंकिंग, ठीक है। इसका जो रैंक है वो आपको फाइंड आउट यहाँ पे करना है, और इससे पहले भी हमने जो है रैंकिंग पे जो है एक दो क्वेश्चन किया था, ठीक है। आज करेंगे शॉर्ट ट्रिक से, देखो हम क्या है। जब भी आपके पास कोई भी वर्ड हो, जैसे हमारे पास मदर है, इसको हम चेक करें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो इसका जो रैंकिंग क्या होगा, MOTH ई, और यहाँ पे क्या आपके पास है आर है, ठीक है। तो पहले देखो आप यहाँ पे जो आपके पास लेटर्स आते हैं उसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड लेटर आएगा इनमें से, तो आएगा ई, इसको नाम दो यहाँ पे वन, ठीक है। फिर आपके पास है एच, फिर आपके पास है एम, फिर आपके पास है ओ, फिर आपका आर, फिर आपका टी, इस तरह रैंकिंग करनी है आपको यहाँ पे, नंबरिंग राइट करना है, पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, कितने का यहाँ पे। अब करना क्या आपको यहाँ पे, तो ये आपके पास ही एम है, यहाँ पे क्या आपके पास है थ्री है। ये देखो थ्री के से जो है लास्ट में से कितने नंबर हैं जो इससे छोटे हैं, लेस है, काउंट करो, थ्री छोटे, टू और वन, तो यहाँ पे दो नंबर हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू, हो गया तक, याद रही बात यहाँ पे। देखो एक पॉइंट और नोट करना है, पहले ही जो टाइप मैं यहाँ पे जो है करवा रहा हूँ आपको, इसमें देखो जो आपके पास लेटर्स हैं उसमें रिपीटेशन नहीं है किसी में भी, क्या नहीं है, नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पे कब क्या होगा रिपीटेशन होगा लेटर्स के अंदर, ठीक है। पहले इस पे आते हैं, तो टू, फिर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे फोर है, ठीक है। फोर से देखो छोटे कितने नंबर मेरे पास यहाँ, चार छोटे, एक और एक ही दो, दो लिखेंगे यहाँ पे। छः से छोटे कितने मेरे पास यहाँ पे, तीन है। दो छोटे कितने मेरे पास यहाँ पे, एक छोटा, एक से छोटा, पाँच से जीरो, ठीक है। फिर यहाँ लेंगे जीरो फैक्टोरियल, फिर आपका वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, और यहाँ पे आपका फाइव फैक्टोरियल, हो गया तक। अब क्या करना आपके यहाँ पे, इनको मल्टीप्लाई करना है, इसकी से मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, फिर इनको ऐड करेंगे, फाइव फैक्टोरियल हो गया 120, 120 की 2 से 240, 240 प्लस है यहाँ पे आपका 48, यहाँ पे आपका 18, ठीक है, यहाँ पे आपका 2 और यहाँ पे आपका 0, प्लस में आपका 0। अब इनका सम करेंगे, जो भी आंसर आएगा इसमें एक और ऐड करेंगे, वो आपके पास क्या होगा, इनका जो सम आपके पास है क्या बन गया 308, ठीक है, उसमें आपने 1 ऐड किया तो आंसर क्या है हमारे पास 309। ये आपके पास जो है रैंक है, क्या है रैंक, किसका, वर्ड ही मदर का, ठीक है, कभी यस, क्योंकि इससे मतलब जो आपके पास वर्ड जो मदर है, मदर से पहले हमारे पास 308 ही वर्ड बन पाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो मदर होगा, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया, हो गया तक। एक और लिखे हमने, उसने यहाँ पे क्या है, इफ द लेटर सी ऑफ द वर्ड, इफ द लेटर सी ऑफ द वर्ड लेट LATE लेट इज ई परम्यूटेड, इज लेट इज ई परम्यूटेड, ठीक है, इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स, ये कहते हैं कि वर्ड आपके पास है लेट, उसको जो है परम्यूट किया है ऑल पॉसिबल ऑर्डर में, तो आपको यहाँ पे रैंक फाइंड आउट करना है, क्या करना है यहाँ पे रैंक किसका, लेट का, LATE लेट जो आपके पास है वर्ड है, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट करेंगे इसको फाइंड आउट, ठीक है, यहाँ पे लिखो L, फिर यहाँ पे A, यहाँ पे T और यहाँ पे E, सबसे पहले क्या आएगा A, B C D E, फिर आपका E,
फिर आपके पास है एल और फिर आपके पास है टी, ठीक है। फिर वही काम करेंगे, इससे देखो छोटे कितने इस साइड में, दो, छोटे इससे जीरो, छोटे इससे एक, छोटे इससे जीरो, यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल और यहाँ पे थ्री फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर इनका यहाँ पे अगर यहाँ पे सम करेंगे, ये आपका हो जाएगा ट्वेल्व प्लस जीरो प्लस वन प्लस में आपका जीरो, तो इनका ऐड हो गया आपके पास क्या थर्टीन, में आपने वन ऐड करना, क्या हो गया यहाँ पे फोर्टीन थे, तो इसका रैंक हमारे पास अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या है फोर्टीन है। कर पाएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट लिखे फटाफट यहाँ पे लिखे, ये कहता है कि हाँ ये वाला जीरो, ये वाला मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे, ये शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे जो लॉन्ग मेथड है वो हमने कल किया था, इसका कैसे करते हैं, मैंने शॉर्ट ट्रिक था आपको कैसे हैंडल करना है इस टाइप में अगर प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है ना। ये मैंने क्या कहा आपको यहाँ पे, ये देखो आप थ्री है, थ्री के बाद में छोटे कितने हैं, थ्री छोटे एक है और क्या है दो है, दो नंबर आ गए, तो यहाँ पर लिखो दो, फिर एक तो छोटे ही साइड में कितने हैं, एक बिना है जीरो, इस तरह राइट किया हमने यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लिखें, इफ द लेटर सी ऑफ द वर्ड, हमारे पास है अगेन, ए जी ए आई एन, अगेन, बी अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, इफ द लेटर सी ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड एज इन अ डिक्शनरी, हो गया, बी अरेंज द एज इन द इन अ डिक्शनरी, हो गया। वट इज द रैंक ऑफ ए अगेन, वट इज द रैंक ऑफ ए अगेन एंड वट इज द फिफ्टीथ टर्म, सॉरी फिफ्टीथ वर्ड क्या है वो आपको राइट करना है, फिफ्टीथ वर्ड क्या है, देखो नोटिस करना, इस टाइप पे तो आप सब कर पाएंगे यहाँ पे, किस टाइप पे, जहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, इस टाइप से करना है। लेकिन देखो यहाँ पे मैंने जो ये आपके पास एक क्वेश्चन दिया है उसमें क्या है, लेटर में रिपीटेशन मिलेगा आपको, ठीक है, उसको हैंडल कैसे करेंगे वो देखो आप यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है, फिर बाद में प्रैक्टिस करेंगे इनके ऊपर। अब क्या आपके पास लेटर्स में रिपीटेशन है, वर्ड आपके पास यहाँ पे है अगेन, ए जी ए आई और एन, ठीक है, इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना है अगर इनको जो है अरेंज करते हैं डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लेटर्स को, ठीक है। तो पहले मार्किंग करेंगे यहाँ पे वन, फिर यहाँ पर भी वन करना है, ठीक है, वन वन, फिर नेक्स्ट हमारे पास है जी पे आपका टू, फिर आपके पास है थ्री, फिर आप पे आपका फोर, हो गया तरह काम यहाँ पे, इस तरह रैंकिंग करनी है, जो सेम है उस पर वहीं सेम नंबर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, देखो अब यहाँ पे फोकस करना आपको, यहाँ पे फोकस करना है यहाँ पे क्या, इससे छोटे कितने हैं इस साइड में, ये देखो आप यहाँ पे छोटे इससे हैं, एक भी नहीं है, जीरो है, हो गया, और इसके डिवाइड में करना आपको क्या करना, डिवाइड में ये देखो आप इसको इनक्लूड करते हुए, इसको इनक्लूड करते हुए कितने लेटर हैं जो रिपीट हुए हैं, अब ए और ए दो हो गया यहाँ पे, ए दो बार आ गया, इंक्लूड करते हुए क्या करते हुए, इंक्लूड करते हुए, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे टू हो गए, तो टू फैक्टोरियल, बाकी सभी में वन वन है। अब यहाँ पे आते हैं छोटे इससे कितने हैं मेरे पास यहाँ पे एक, और डिवाइड में कोई रिपीटेशन है यहाँ पे, नहीं है, इसको इंक्लूड करते हुए क्या इनमें कोई रिपीटेशन है, नहीं है, तो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो वन फैक्टोरियल ऐड कर देना या फिर रहने देना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस पे आते हैं यहाँ पे, इसके बाद ही जीरो बाई में आपका, ठीक है, वन फैक्टोरियल। नेक्स्ट हमारे पास थ्री के बाद जीरो बाई में आपका वन फैक्टोरियल। नेक्स्ट आपके पास जीरो बाई में आपका वन फैक्टोरियल। शायद यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, राइट करते हैं वही काम। फिर यहाँ पे जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, यहाँ पे आपका फोर फैक्टोरियल, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो गया जीरो, वन बाई वन फैक्टोरियल, वन और वन की जो है थ्री फैक्टोरियल हो गया यहाँ पे क्या सिक्स, प्लस में आपका यहाँ बात करते हैं तो हो जाएगा मेरे पास क्या जीरो, ठीक है, और यहाँ बात करके क्या हो जाएगा मेरे पास है जीरो, यहाँ पे आपका जीरो, क्या आया मेरे पास है सिक्स,
तो सिक्स में जो है यार यहाँ पे वन ऐड करेंगे क्या हो गया मेरे पास सेवन, ठीक है। तो सेवन्थ क्या है इसका रैंक है किसका, वर्ल्ड अगेन का, हो गया तक। लेकिन अब उसने साथ जो है साथ में एक क्वेश्चन और दिया आपको यहाँ पे, अगर आप जो है जो ये लेटर्स हैं इनको आगे पीछे अरेंजमेंट करते हैं तो बहुत सारे वर्ड बनेंगे आपके पास, ठीक, कितने बनेंगे, बहुत सारे बनेंगे। तो वो कहता है कि जो 15th जो प्लेस है 50वें प्लेस पर ही कौन सा वर्ड आएगा, वो वर्ड आपको राइट करना है, ठीक है ना। और 50th 50वां है प्लेस, 50th करो यहाँ पे 50वां प्लेस, ठीक है 50वीं प्लेस पे, ठीक है कौन सा वर्ड आएगा, प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा वो आपको राइट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कर दे इसको अब यहाँ से पक्का, देखें अब इस पे आते हैं, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ यहाँ से। चलो अब करते हैं इसकी रैंकिंग करेंगे हम, ठीक है ना। मैं देखता हूँ पहले यहाँ पे कितने वर्ड आप इनसे बना पाते हो, मतलब इससे आप कितने परमुटेशन कितने वर्ड बना पाए हो, उसका आपको मीनिंग हो या फिर ना हो। आपने सीखा था यहाँ पे कैसे 1 2 3 4 5 हैं, तो लिखो 5 का फैक्टोरियल है और डिवाइड में रिपीटेशन भी यहाँ पे है तो 2 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल क्या होता है 120 और डिवाइड में आपको 2 फैक्टोरियल 2 कट किया आपने यहाँ पे तो यहाँ पे 60, ठीक है ना। इसका मतलब क्या यहाँ पे इनसे जो आप 60 वर्ड बना पाओगे, तो 60 वर्ड बनाए उसको अरेंज करेंगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, तो 50वें प्लेस पर डिक्शनरी में कोई ना कोई तो वर्ड आएगा, वो वर्ड कौन सा वो आपको राइट करना, ठीक है। उसको कैसे करेंगे वो देखो आप, पहले यहाँ पे पहले राइट करो आप यहाँ पे, पहले एक बात नोट करनी है, ये देखो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड आप बना पाओगे, किसे ए से, ठीक है। और फिर हम देखेंगे इसे यहाँ पे, फिर सेकंड पे कौन सा है जी है, फिर जी से, फिर नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पे क्या है आई है, ठीक है, फिर फोर्थ पे क्या आपके पास है एन है। ये देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो पहले ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड आएंगे, फिर ही जी से, फिर ही आई से और फिर ही एन से, ठीक है। ये देखो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बन गए, तो ए तो मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, एक तो फिक्स हो गया यहाँ पे। बात करें इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे और इस प्लेस पे, यानी कि 5 थे 5 में से ए फिक्स कर दिया, 4 प्लेस बच गए। 4 प्लेस पे किसको अरेंजमेंट करना आपको, जी ए आई एन को, 4 प्लेस हैं, 4 फैक्टोरियल हो गया, क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। क्या इनमें कोई रिपीटेशन है, नहीं है इनमें कोई रिपीटेशन नहीं है, एक ही फिक्स हो गया था वहां पे, ठीक है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल मतलब यहाँ पे आपको कितना हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, 24 वर्ड तो हो गए जो कि स्टार्ट होंगे यहाँ पे ए से। नेक्स्ट अब जी से जो है कितने वर्ड जो स्टार्ट होंगे यहाँ पे, 1 2 3 और यहाँ पे क्या है 4। नोटिस करना अब इसमें कौन कौन से लेटर आपके पास आएंगे, यहाँ पे आएगा ए, आएगा ए आई और एन, ए ए आई एन, क्या हो गया 4 फैक्टोरियल। लेकिन डिवाइड में क्या है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, क्योंकि जिसमें जी फिक्स हो गया लेकिन जो ये ए जो है 2 टाइम्स आ गया, रिपीटेशन हो गया, तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड में, ठीक है। इसको कैलकुलेट किया आपने, कितना हो गया यहाँ पे 24 बाई में आपका 2 कितना हो गया यहाँ पे 12 वर्ड इसके अंदर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आओ आई से स्टार्ट होने के लिए यहाँ पे कितने वर्ड बन पाएंगे आपके पास, जो आई से स्टार्ट होंगे वो भी शायद क्या बन पाएंगे सेम 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 24 बाई 2 इक्वल टू आपका 12 आपके पास वर्ड यहाँ पे बन पाएंगे, है ना, याद रहेगी बात यहाँ पे। अब देखो ये चेक करो कितने वर्ड हो गए हमारे पास, इनको ऐड करते ये और ये, तो 4 2 6 और 2 8, ठीक है, और 2 और 1 3 और 1 4, यानी कि 48 वर्ड तो यहाँ तक ही हो चुके हैं। 49वां देखो वर्ड कौन सा बनेगा, एन से स्टार्ट करो, फिर पहले क्या आएगा एन के बाद फिर ए, फिर ए, ठीक है ना, और नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा इसके बाद जी और फिर आपका आई, ये आएगा या ये जो वर्ड है वो कौन सा वर्ड बन गया यहाँ पे 49th 49वां वर्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट वर्ड कौन सा बनेगा यहाँ पे, अब क्या करना है इनको कर दियो इंटरचेंज, इनको बाकी सेम रखो एन ए ए आई और जी, ये एक वर्ड है जो कि किस प्लेस पे आएगा 15th
प्लेस पे आएगा, 50वें प्लेस पे आएगा, एन डबल ए आई जी। कर पाएंगे यहाँ पे वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे, देखो पहले क्या किया आपने यहाँ पे, वो कहता है भाई एक वर्ड अगेन है, इसके लेटर्स को आप अरेंजमेंट करेंगे आगे पीछे आगे पीछे। तो मैं देखा भाई कितने लेटर वर्ड बन पाएंगे, 60 वर्ड बन पाओगे। तो वो कहता है अब इसको आप वर्ड्स को डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज कर दो, तो आपके पास से 50वें प्लेस पर कोई ना कोई तो वर्ड आएगा, वो वर्ड कौन सा वो फाइंड आउट करना आपको। फिर हमने क्या किया भाई, ये देखा कि डिक्शनरी में पहले कौन कौन से वर्ड आएंगे इसके जो हमारे पास है। तो देखो पहले इसमें छोटा कौन सा है, ए है, पहले आएंगे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड बने हमारे पास है, 24। फिर उसके बाद कौन सा वर्ड आया, जी दूसरे प्लेस पे, फिर जी स्टार्ट होने वाले मेरे पास है 12। फिर नेक्स्ट एन से देखोगे आई, सॉरी आई से आपके पास फिर 12। फिर मैंने देखा भी यहाँ पे 48 वर्ड हो गए हमारे पास ये। तो नेक्स्ट जो वर्ड बनेगा कौन सा बनेगा, 49वां, उसे नेक्स्ट 50वां। तो मैंने बनाया इससे नेक्स्ट वर्ड कौन सा बनेगा, तो मैं डिक्शनरी का वर्ड बनाऊंगा यहाँ पे, तो वो आएगा भाई स्टार्ट होगा पहले इससे एन से, एन से स्टार्ट होने के बाद जो यहाँ पे नंबर आए थे वो बने छोटे नंबर इनमें से जो पहले आते हैं। तो पहले जो ये एन के बाद पहले आएगा ए, ए फिर क्या आएगा आई, और फिर एन, सॉरी जी और एन, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया जी आई, एन तो यहाँ फिक्स था, क्या आएगा ए, एन तो क्या फिक्स यहाँ पे, एन तो फिक्स हो गया यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे ए ए फिर आपका जी और फिर आई, मतलब ये वर्ड बनेगा उसके बाद नेक्स्ट 49वां। तो इसके बाद 50वां कौन सा बनेगा, तो ये छोटे रखने यहाँ पे ऐसे कैसे, वैसे जो बड़े वाले हैं इनको इंटरचेंज कर दियो आपस में। अगर मान लो इसको यहाँ पर ले आओगे तो इसके बीच में तो बहुत सारे वर्ड और भी आ गए, ए और जी को, लेकिन करोगे तो फिर यहाँ पर और भी बहुत सारे वर्ड बच से पहले बच गए डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। डिक्शनरी में होता क्या है, ये जो है ये चेक कितने मैक्सिमम आपके पास कॉमन होते हैं, पहले यहाँ पर ये मैक्सिमम कॉमन लो पहले यहाँ पर, उसके बाद जो वर्ड आएगा वो उसके बाद नेक्स्ट आएगा वह। तो यहाँ पर अगर इनको आप इंटरचेंज करते हो तो इससे पहले तो और भी बहुत सारे वर्ड बन पाएंगे जो इसके बीच में आओगे, लेकिन हमें नेक्स्ट देखना है। करना क्या है, पहले ये देखो आप ये सेम रखो और जो लास्ट के हैं उनको करो आप इंटरचेंज, जितने मैक्सिमम हो यहाँ पे सेम करना है। तो इनको इंटरचेंज किया मेरे पास, ये नेक्स्ट जो वर्ड है आपके पास है बन जाएगा एन डबल ए आई जी। कर पाएंगे यहाँ तक, कोई डाउट है इसमें यहाँ पे मानसु नहीं। एक और देखो क्वेश्चन, देखो यहाँ पे एक और, वो कहता है कि देखें ये आपके पास है आर ए एन डी ओ एम, नोटिस करना है इसमें रिपीटेशन नहीं है, क्या नहीं है, रिपीटेशन नहीं है शायद, है ना, फटाफट कर दो वन, फिर आपका क्या कहे इसके बाद दो तीन, सॉरी डी आ गया है, डी आ गया वही दो पे, दो फिर आपका तीन चार पाँच और ये आपका छः। फिर वही काम करेंगे यहाँ पे, इसके बाद लास्ट में एक दो तीन चार पाँच, पाँच है ठीक है, रिपीटेशन है ही नहीं। नेक्स्ट इसके बाद ही जीरो, इसके बाद ही एक दो, इसके बाद ही जीरो, इसके बाद ही एक, इसके बाद ही जीरो, जीरो फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, फोर फैक्टोरियल, फाइव फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई। देखें पाँच फैक्ट हो गया 120, 120 की पाँच से 12 पंद्रह 60 600, जीरो हो गया, तीन फैक्ट हो गया मेरे पास 6 दोनी 12 ठीक है, प्लस में जीरो हो गया प्लस में वन ठीक है, तो 600 हो गया हमारे पास, इतना यो 13 में एक और ऐड कर दो आप यहाँ पे, इतना हो गया यहाँ पे 614 रैंक आ गया इसका 614 ठीक है। आप पे आपका यहीं आया है, हाँ हाँ बोलो बोलो ठीक है, हाँ बोलो आप क्या कर रहे थे, कहाँ लिखा क्या है, ये वन फैक्टोरियल वन है और वन ही वन लिखा है, नहीं जी आप ठीक है ना, आपको यही आंसर यहाँ पे, तो ये रैंक आ गया हमारे पास।
कर पाएंगे इसको आप पे? तो अब जो है ये हो गया यहाँ पे, एक और रख लो आप यहाँ पे वर्ड, ये हमारे पास है जी ई एन आई टी एच, इसका आपको आंसर राइट है ना, इसका इसका आपको आंसर राइट है ना, जेड ई एन आई टी एच, जेड ई एन आई टी एच, ई एन आई टी एच, जेनिथ जो वर्ड है इसका आपको रैंक फाइंड आउट करना है। हाँ और अभी करना, स्पीड से कर दो और फिर ही एक और बोलते हैं फटाफट फटाफट राइट करना उसका भी आंसर आप। ये आपके पास है वर्ड सी डबल एच आई के ए आर ए, ठीक है इसका, और एक और भी है दैया साहब बुरा मान जाए ना, डी ए एच आई वाई ए दैया, और एक आपके पास है हाँ वो भी लेंगे मलिक एम ए एल आई के मलिक, और एक हमारे पास है सरोहा एस ए आर ओ एच ए सरोहा, एक हमारे पास है शर्मा जी बुरा मत मानियो शर्मा एस एच ए आर एम ए शर्मा, ठीक है ठीक है ना यहाँ पे शर्मा है वत्स वी ए टी एस। नेक्स्ट और क्या क्या हैं क्या नैन साहब रह गए, नैन एन ए आई एन, सभी के आपको रैंक राइट करने हैं। डागर साहब रह गए, डागर साहब रह गए डी ए जी ए आर डागर साहब, राणा साहब मुझको राणा जी माफ करना गलती मारे से हो गई, हो गया। तो इसका आंसर हमारे पास है यहाँ पे 6186। ओरे जल्दी कर दो फटाफट स्पीड से।